शॉर्ट मार दी रिंच हो गया। सीक्वल हो गया। रंफी का नाम याद रखे थे तो मैं मारूंगा बेटा। फौजी देखता जा, अभी देखता जा भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटे, अभी आ रहा हूँ तेरे पास। कुछ लाऊंगा शॉर्ट गन भाई, भाई रिकॉल करते इसको मारना कर। 2 seconds later. बहन के हैक करेगा मादर ने डैमेज दिया तब भी बच गया मादर चौक। अरे बहन को इतना डैमेज दिया तब भी बच नहीं मारा मादर जी। हैक करे बहन का लंदे है ज्यादा एलएस की। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके मैं हाथ जोड़ता हूँ उस भगवान को जिन्होंने भेजा मुझे भारत जैसे देश में और खुद के भी दर्शन करा दिए इस धरती पे मेरे माता और पिता के भेष में। तो यार सबसे पहले बोलो दुर्गा मैया की जय। तो भाई लोग आज से नवरात्रि चालू हो गई है तो नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो आज का मैच सच में बहुत ही इंटेंस और साथ ही आज हमारे साथ दो ठो उद्यमी लड़कियां भी खेल रही हैं तो इनकी हरकत देख के भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना काफी मजे टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं सकूल अपार्टमेंट, तो चलो पकड़ते हैं हर बंदों को। अपने टीममेट्स को मार लो, मेरे कॉल कर दूंगी। नहीं मैं रिकॉल कैसे करूंगी। एनिमीज अहेड। मारो। अब यहाँ उतरते ही मैं दो बंदों को निपटा के किल की बहुनी करता हूँ और उसके बाद अपार्टमेंट का इलाका पूरा का पूरा खाली हो जाता है। पर वो कहते हैं ना कि आलू का पराठा गोभी का फूल। लो भैया हम आ गए सकूल। तो सकूल में कुछ बंदे होते हैं क्योंकि जब हम अपार्टमेंट में थे तो कुछ बंदे भैया गोली चला के बोर्ड दादाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो देखो यार उन बंदों को हम कैसे निपटाते हैं। कल एक लड़का मेरे से कह रहा था फौजी भाई यूट्यूबर बनने के बाद कोई लड़की ने आपको प्रपोज किया। तो हाँ भैया किया, कल ही की बात है, जरा शायरी में सुनो। इरशाद इरशाद। प्यार मोहब्बत धोखा है मत करना बस ये भूल ब्रो। कि प्यार मोहब्बत धोखा है मत करना बस ये भूल ब्रो। मेरी कृष्ण ने आज मुझे आई लव यू बोला फिर बाद में अप्रैल फूल ब्रो। तो यार स्कूल में भी सिर्फ एक ही बंदा होता है तो इसकी मैं पेटी बनाता हूँ और उसके बाद जादू भैया से कहता हूँ कि सामने मैकलेरन खड़ी है उसको उठाएं लैम्बो बनाएं और फिर चलें पेट्रोलिंग करने। पर तो लैम्बो करके दो। ओके। नहीं 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 नहीं, अरे यार गलत बात होती है जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बंदे सामने, बंदे लेफ्ट में। ये रे। अब इस बंदे को मैं फुटपाथ में कुचलता हूँ। पर तभी तभी मेरी दोनों गर्ल टीममेट को कोई बंदे निपटा देते हैं। तो देखो यार अब हम कैसे लेंगे बदला। बोला भी बंदे आ रहे हैं साइड। हमारे देश का जवान किसी भी हालात में घबरा नहीं सकता और फौजी बॉर्डर में हो या पबजी में कोई भी इसे हरा नहीं सकता। अब यार यहाँ पर मैं अपने दोनों गर्ल टीममेट का बदला तो ले लेता हूँ और फिर इनको रिकॉल भी कर देता हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंसान के रूप में बोट। देखो आप भी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और चलते कैसे हैं ये।
अब यार इस बंदे को मैंने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया था कि चाचा हड़बड़ा के ऊपर से गिरे और सीधे नॉक हो गए। खैर ये मैच यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल था, पर आगे बाप को जितने भी सीन देखने को मिलेंगे सारे के सारे काल्पनिक घटना में आधारित होंगे। तो सीन ये होता है कि आगे की तरफ एक सरकारी ड्रॉप गिरा था, तो हम लोग सीधा यहाँ आते हैं और तभी जादू भैया बोरियत कर रहे हो आप, अब हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। Excellent work. गाड़ी भी नहीं मिल रही है। Watch out. Mark the location. Watch out. मेरे सामने से अभी अभी एक गाड़ी गई है। तो यार दो बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया, पर इनका एक और टीममेट सामने की तरफ अभी भी होता है। तो मैं फटाक से जादू भैया को रिवाइव करता हूँ और अपनी गाड़ी में समोक करता हूँ, पर फिर पता चलता है कि गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं। और गाड़ी आखिर खड़े खड़े चली कहाँ गई, ये राज भी राजी रह गया। जयू बोलो। अब यार यहाँ पर मैं तीन बंदों को तो निपटा देता हूँ, पर जो इनका चौथा बंदा था वो मौके में चौका मार के यहाँ से भाग जाता है। काहे कि उसको पता चल गया था कि अब हम लोग यहाँ पे नहीं बचेंगे, तो मैं भी समझ गया था कि वो भागा होगा, यानी कि वो रिकॉल सेंटर जरूर गया होगा। तो यहाँ आसपास जो भी रिकॉल सेंटर था हम लोग वहाँ जाते हैं, और यहाँ आते ही मुझे वही बग्गी दिखती है जिससे इनका लास्ट बंदा भागा था। मरती हूँ हमेशा गोल गप्पों पर, मेरे तो फेवरेट है गर्मा गर्म समोसा, और मैं अकेले कर सकता हूँ 1v4 क्योंकि मुझे अपनी M4 पे अंधा भरोसा। तो यार फाइनली आखिरकार मैं उस पूरी सकॉट को निपटा देता हूँ। तो आपको ये गेम प्ले अभी तक कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल हम लोग आगे की तरफ जा ही रहे थे और तभी मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखती है। अरे यार क्यों किल चुरा रही हो? मेरी नहीं लगी एक भी, मेरी एक भी नहीं लगी उधर। आप लोगों ने बड़े बड़े शब्दों में स्क्रीन में देखा होगा कि एंजल ने वो बंदे को मारा है, उस पर लिख के आ रहा था, और ये फिर भी सफेद झूठ कह रही है कि मेरी एक भी गोली नहीं लगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर छोटे वाले मैप में देखो तो गाड़ी का एक निशान आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ बंदे भी आ चुके हैं। तो देखो यार आगे क्या होगा। तो रिवाइव दो कोई एक जन आके। अब यार आपको इस लॉबी को देख के लग रहा होगा कि कैसी लुंज पुंज टाइप की लॉबी है। तो यार ये मैच सुबह के 10 बजे का था, और सच बताऊं तो पहली बार मैंने उतने टाइम खेला हूँ, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैंने सोचा कि फटाफट खेल लूं, एक गेम प्ले बना लूं और निकल जाऊं। पर जितने मैच खेला सब में और दिन के कंपेयर से आज थोड़ी वीक लॉबी आई। तो आज के इस मैच को झेल लो और फिलहाल ये सीन देखो।
अब यार यहाँ पे जादू भैया ने मेरी एक किल चुरा ली, पर कोई नहीं, जादू भैया मेरा बहुत साथ देते हैं, तो आज मैं इनके ऊपर एक स्पेशल शायरी बोलना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। जादू भैया की खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करता हूँ, चाहे कोई भी हो पास मेरे तुम्हारा जिक्र करता हूँ, मेरी एक आवाज में पीछे दौड़े हो तुम, और तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं मेरे लौड़े हो तुम। तो यार किल हो जाते हैं 17, और जब जब किल हो जाते हैं 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा, तो क्या आज भी खतरा होगा, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। बंदे से मर लेंगे। अबे स्क्वाड के दो बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ, और एक की फर्स्ट अटैक ऊपर से आ रही थी, तो मैं जलती बोतल में आग फेंकता हूँ, और फिर नहीं उन्हें मैं दो ना। तुम बैठोगे जिस भी गाड़ी में, मैं बन जाऊंगा उस गाड़ी का ड्राइवर, और मुझे बड़ा प्यारा है मेरे चैनल का एक एक सब्सक्राइबर। तो यार फाइनली मैं इस टीम की भी पेटी बना देता हूँ, तो अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब भी बनता है यार, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना। वैसे हो सकता है कि आज का गेम प्ले कमजोर हो, पर शायरियों में तो एंटरटेनमेंट मिल रहा होगा ना, तो यार उसी के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो भी काफी मेहनत से बनती है। सामने अब सामने हमें घर में एक बंदा दिखता है, तो हम रस करते हैं, पर जैसे ही हम रस करते हैं तो चाचा भागने लगते हैं, और भाग रहा। तो इस बंदे की भी पेटी हम बना देते हैं, पर चाचा नॉक हुए थे, यानी कि इनका एक और टीममेट यहीं कहीं लुका पड़ा होगा, तो सच बताऊं तो यार उससे हम लोग काफी देर तक ढूंढते हैं, और काफी देर के बाद वो मुझे एक जगह पे लेटा दिखता है, और टैक्सी मेरा भाई बोले फौजी भैया की जय। तो भाई लोग कैसा लगा आज का ये गेम प्ले कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।